यार इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये जनरल स्ट्रैटेजी तो यार आपको काफी सारे लोग बताते हैं, बट देर इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन विच आई डिड ड्यूरिंग माई टाइम एंड इट रियली बेनिफिटेड मी अलॉट। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंबर सक्सेना, आप देख रहे हैं सक्सेस इन्फिनिटी। गाइस तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिटसेट 2020 में हमें किस तरीके से एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट पे हमें एंड करना है, और पूरा जो 3 घंटे का हमारा स्लॉट है उसमें कैसे हमें टाइम को मैनेज करके चलना है जिससे हम उतना स्कोर अचीव कर पाए जितने के लिए हम डिजर्विंग हैं। तो गाइज मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू टू अ चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको एक चीज रियलाइज कराना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हमें इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, हमें ऐसे टाइम मैनेज करना है, दीज ऑल आर बेसिकली इंडिविजुअल ओरिएंटेड। मतलब ये हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करे, हो सकता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो उतनी अप्रोप्रिएट ना हो आपके लिए। सो बेसिकली यू नीड टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि केमिस्ट्री से हमें पेपर स्टार्ट करना है, बट केमिस्ट्री में यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एंड इनफैक्ट यू आर दैट कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स, तो यार आप फिजिक्स से पेपर स्टार्ट कर सकते हो। और ये चीज़ आपको तब पता चलेगी, यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस थिंग ओनली वैन यू आर डन विथ एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था आप प्रॉपरली तभी दे सकते हो जब आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट है। तो यार या तो आप अपने लिए स्ट्रैटेजी खुद बनाइए बेस्ड अपॉन योर आइडेंटिफिकेशन आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट कि यार मैं केमिस्ट्री से अगर स्टार्ट करता हूँ तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर मी, मैं अच्छे से स्पीड मेंटेन कर पाता हूँ, या फिर अगर मैं मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी स्पीड अच्छे से मेंटेन रहती है, मैं कंसंट्रेट कर पाता हूँ, ढंग से कंफर्टेबली आगे बढ़ पाता हूँ। एक तो यार चॉइस ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए आफ्टर गिविंग अ मॉक टेस्ट विच इज़ मोर प्रेफरेबल। यस यू हर्ड करेक्ट, इट इज़ मोर प्रेफरेबल कि यार आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, क्योंकि उसका यार फिर कोई तोड़ नहीं है। मैं जो आपको बताने वाला हूँ इट मे और मे नॉट सूट यू अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, अकॉर्डिंग टू योर माइंड सेट, अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्टनेस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट इट इज अ जनरलाइज स्ट्रैटेजी कि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू गिव मॉक टेस्ट, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं एंड इट इज श्योरली गोना बेनिफिट यू इन योर एग्जाम्स टू गेट हाई स्कोर। तो चलो यार स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिटसेट का पेपर स्टार्ट करते समय वी नीड टू कॉन्फ्रॉन्ट द केमिस्ट्री सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री हमें इसलिए करना है क्योंकि केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन होते हैं वो मोर और लेस आर वेरी डायरेक्ट। पहली बात तो वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से होते हैं, सेकेंडली काफी सारे क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में वो थ्योरेटिकल होते हैं। मतलब आपको एक लाइन में क्वेश्चन दिया होगा और एक एक वर्ड के 4 ऑप्शन रहेंगे, सो आपका उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। सो द 40 क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द केमिस्ट्री सेक्शन कैन वेरी इजीली बी कंप्लीटेड इन एट मोस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे उसमें अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट याद है। मतलब यार पूरी चीज वही है, अगर आपको चीजें याद हैं तो आप 5-10 सेकेंड के अंदर मार्क कर सकते हो ऑप्शन, अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इनऑर्गेनिक का कोई कॉन्सेप्ट आया आपसे पूछा आपको याद नहीं है तो उस क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है, तो या तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे या फिर आप उसमें तुक्का मारोगे। सो स्टिल इट विल कंज्यूम ओनली 5 to 10 seconds एट मोस्ट। तो बेसिकली 30 मिनट्स के अंदर हमें केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट करना है। और यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ आवर्स हम देखें बिटसेट में, सो वी हैव गॉट 150 questions एंड अराउंड 180 minutes, तो पर क्वेश्चन हमें सर 1.2 मिनट मिल रहा है। तो भैया हम कैसे कर सकते हैं, मतलब इतना स्पीड लाने के लिए कुछ हैक हो तो हैक बताओ, कुछ सॉल्यूशन दो इसका। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो मैथ्स में हमारा टाइम लग रहा है, बेसिकली मैथ्स में ही आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, वो टाइम लाने के लिए हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेक्शन में, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शंस में से टाइम बचाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इट वोंट टेक हार्डली, इट विल टेक हार्डली 5 to 10 seconds। इंग्लिश में भी यार सेम केस है, या तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि आई एम एबल टू डू इट, और आपको समझ में आ रहा है कि आई एम नॉट एबल टू डू इट। सो इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और केमिस्ट्री में से ही हमें टाइम बचा बचा के फिजिक्स और मैथ्स के लिए कंट्रीब्यूट करना है। और उसी से जब आप देखोगे एंड में, तो आपके 2 से 3 मिनट पर क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे फॉर योर मैथ्स एंड फिजिक्स सेक्शन। तो रिटर्निंग बैक टू आवर स्ट्रेटजी, केमिस्ट्री शुड बी कंप्लीटेड इन फर्स्ट हाफ एन आवर, यानी अगर 9 बजे आपका पेपर है सो फ्रॉम 9 to 9:30 आपका केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आफ्टर केमिस्ट्री सेक्शन वी वुड जंप ऑन टू आवर इंग्लिश सेक्शन, अगेन सेम लॉजिक है। इंग्लिश में यार सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, कुछ ऐसा खास दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, एनालिसिस आपको नहीं करना पड़ेगा, या तो आपको सिनोनिम पता होगा या आपको नहीं पता होगा, या तो एंटोनिम पता होगा या एंटोनिम नहीं पता होगा, सो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
तो वो भी जो हमारे 15 क्वेश्चन रहेंगे, इट इज नॉट गोना टेक मोर देन 10 मिनट्स। तो ऐसे हमारा इंग्लिश भी खत्म हो जाएगा जल्दी। आफ्टर दैट वी वुड जंप ऑन टू द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग यार काफी इजी आता है। अगर आपने मेरी लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच इट राइट नाउ, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं, अगर आप उनसे प्रैक्टिस करके गए सो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आप आराम से 10 out of 10 क्वेश्चंस फोड़ सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत ईजी लेवल का आता है, NTSC के लेवल से भी थोड़ा कम ही आता है, तो वो भी आप बहुत ईजिली 100% स्कोर कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। सो लाइक दिस, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से हमें स्टार्ट करना है एंड यू शुड बी एबल टू कम्प्लीट दीज थ्री सेक्शंस विद इन 1 आवर। केमिस्ट्री में हमने आधा घंटा दिया, इंग्लिश वुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स, और यार जो हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, वो भी यार 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो यार ऐसे 1 घंटे में हम 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के एंड 10 क्वेश्चंस मेंटल वेटिंग, यानी इन टोटल 65 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मोटा मोटा 195, यानी 200 नंबर हमारे शुरू के 1 घंटे में स्कोर हो चुके। सो नाउ वी आर एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। अब यार हम सेकेंड पर फिजिक्स लें कि मैथ्स लें, ये यार बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू टेक मैथ्स, क्योंकि यार मैथ्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो अगर आप उनको लास्ट में लोगे तो देर आर चांसेस कि आपका पेपर छूट जाए। तो ये 3 सब्जेक्ट करने के बाद, रादर देन टेकिंग फिजिक्स, प्लीज गो ऑन टू मैथ्स, एंड मैथ्स एक बार आपका हो जाए उसके बाद लास्ट में यू शुड टेक फिजिक्स। यार इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये जनरल स्ट्रैटेजी तो यार आपको काफ़ी सारे लोग बताते हैं, बट देर इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन विच आई डिड ड्यूरिंग माई टाइम एंड इट रियली बेनिफिटेड मी अलॉट। मैंने क्या किया, आफ्टर 1 आवर ऑफ कम्प्लीटिंग केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज इंग्लिश, जो मेरे बाकी के 2 घंटे बचे थे, दैट आई डिवाइडेड इंटू 4 half-an-hour स्लॉट्स। उसमें मैंने क्या किया, आई जम्प डाउन टू मैथ्स। फॉर एग्जाम्पल 9 बजे मेरा पेपर शुरू हुआ, मैंने 10 बजे मैथ्स करना स्टार्ट करा, 10 to 10:30 आई वुड बी डूइंग मैथ्स, राइट एट 10:30 आई वुड चेंज माई सब्जेक्ट टू फिजिक्स, आई वुड डू फिजिक्स फॉर अनदर 1/2 hour, एंड राइट एट 11 AM आई वुड चेंज माई सब्जेक्ट अगेन टू मैथ्स। अब यार इससे चीज़ क्या होगी ये समझिए, बिटसेट जैसे पेपर में जहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत बहुत कम टाइम है, वहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो जाए। यानी अगर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है जिसमें आप सोचे जा रहे हो, आपका आंसर नहीं आ रहा, आप अलग अलग तरीके ट्राई कर रहे हो, फॉर्मूले लगा के देख रहे हो, आपका आंसर नहीं आ रहा, एंड यू हैव वेस्टेड 3-5 मिनट्स ऑन इट, एंड इट इज़ नॉट जुडिशियस ऑन योर पार्ट। तो इस चीज़ से हम बचे, इसलिए वी आर स्विचिंग बिटवीन द सब्जेक्ट्स। जैसे ही आप कोई ऐसा क्वेश्चन कॉन्फ्रंट करोगे जिसमें ज़्यादा टाइम डिमांड हो रहा है, तो उसको एट अ कंटिन्यूस स्ट्रेच देने की जगह हम उसको बांट बांट के दे सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेच में देना भी चाहोगे, देन बिकॉज ऑफ दिस 1/2 hour कॉन्स्ट्रेंट आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, और उसमें ऑटोमेटिकली जो आपका टाइम ज़्यादा लग जाता अब वो मिनिमाइज हो गया। हालांकि ये बात सही है, वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, बट उस 5 मिनट के दौरान में हो सकता है हम अगले 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एंड वी वुड बी एबल टू सिक्योर अनदर 25-30 मार्क्स फॉर दैट। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर आधे घंटे में अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो। फिर इसमें भी आप बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल रहते हैं, तो उसमें आई डोंट थिंक देयर वुड बी मच प्रॉब्लम फॉर टाइम, 5 से 10 सेकंड में बहुत ईजिली कर सकते हो। बेसिकली यही है, अगर आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम चाहिए, मैथ्स में आपको टाइम लगता है, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, इन 4 सेक्शन से आपको टाइम निकाल के लाना ही पड़ेगा। और जो 1/2 hour वाली स्ट्रैटेजी है, 1-2 बार आप यार एटलीस्ट मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देख लेना, क्योंकि तभी आपको एक बार ये अंदाजा लगेगा कि यार मैं आधे घंटे में चेंज करूंगा तो मेरा कितना स्कोर आ रहा है, और अगर मैंने चेंज नहीं करा, मैंने 1 घंटा कंप्लीट मैथ्स को दे दिया और 1 घंटा कंप्लीट फिजिक्स को दे दिया, तो मेरा कितना स्कोर आ रहा है। यू वुड वेरी इजली बी एबल टू सी द डिफरेंस। हो सकता है आपके केस में आप ये रियलाइज करो कि यार मैं पूरा घंटा जब दूंगा तब मेरी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ रही है, सो यू शुड गो फॉर दैट। मेरे केस में आई वॉज गेटिंग द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी वाइल स्विचिंग बिटवीन द सब्जेक्ट्स एवरी 1/2 hour। सो यार आप एक बार मॉक टेस्ट में करके देखिएगा, एंड अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू द आउटपुट विच यू आर गेटिंग, गो दैट वे। सो गाइस आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि हमें किस तरह से बिटसेट 2020 का एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करना है। आपका और भी कोई डाउट हो, कोई कॉमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में मैं उसको जरूर से जरूर टच करूंगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, तो फर्स्टली आई वुड नॉट चार्ज फॉर इट। आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाके DM कर सकते हैं, मैं आपके सबके रिप्लाई करता हूँ। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी। एक छोटी सी चीज़, जो मेरी वेबसाइट है जिसकी मैंने लिंक दे रखी है, सून आई एम गोना रिमूव इट फ्रॉम माई अबाउट सेक्शन, क्योंकि यार वो इतनी ज़्यादा भी फंक्शनल नहीं है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, हालांकि इस पर थोड़ा वर्क चल रहा है। तो
कोशिश करेगा कि आप वहाँ जाके कुछ मैसेज ना करें क्योंकि यार वो मुझ तक अभी नहीं पहुँच रहे हैं। सो बेटर गो टू आर इंस्टाग्राम एंड डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम देयर। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बिफोर लिविंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ इफ यू लाइक द कॉन्टेंट, बिकॉज यू वुड बी गेटिंग मोर ऑफ सच मोस्ट एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट ऑन बिटसैट ऑन दिस चैनल। सो सब्सक्राइब इट राइट नाउ, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।